बहराइच के प्रयागपुर थाना क्षेत्र के एक प्रधानपति की दबंगई और रसूख के आगे प्रयागपुर पुलिस बेबस दिख रही है। ऐसा लगता है कि प्रयागपुर थाने के पुलिस एसपी केशव कुमार चौधरी के निर्देशों पर योगी सरकार की नीतियों से नहीं बल्कि प्रधानपति के हुक्म को बजाने को ही अपनी ड्यूटी मानती है। कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार की निष्पक्ष और सख्त नीति प्रयागपुर में पक्षपाती और मुलायम दिख रही है। नतीजा मछुआरे समाज की एक महिला को प्रधानपति व उसके गुर्गे से अपनी जान माल को बचाने के लिए दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं। प्रयागपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सभा हुसबा पारा में स्थित सरकारी तालाब को मछली पालन के लिए प्रशासन ने तय नियमों के आधार पर संजू निषाद को 10 वर्ष का पट्टा आवंटित किया है, जिसके लिए संजू प्रतिवर्ष 4 लाख आवंटन ₹1000 लगान के रुपए में सरकारी खजाने में जमा करती है। हुसबा पारा के प्रधानपति शरीफ अहमद को अपनी ग्राम सभा में मछुआरे समाज की एक महिला का दखल बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। जिस तालाब की मछलियों के सहारे प्रधान अपना वोट बैंक साधते थे, उसका यूं हाथ से निकल जाने से सफीर अब संजू निषाद व उसके सहयोगियों का खुलकर उत्पीड़न करने लगे हैं। मेरा नाम संजू है, संजू निषाद, और ये मेरा बड़ा गांव हुसबा पारा में हमने 10 साल का पट्टा लिया। इसका काल से लगान जमा करते 1 साल का 4,58,000, और यहाँ के जो प्रधान और जो मौजूदे सब लोग हैं तो हमको बहुत दिक्कत देते हैं, और ये योगी सरकार में हमने पट्टा लिया और हमारी कहीं सुनी नहीं जाती है। क्या परेशानी आपको? परेशानी क्या, हाँ हमने बंधा बंधवाया था, उसको तोड़ फोड़ कर दिया। किसने तोड़ा? यहाँ के जला लोग, प्रधान। क्या क्या आपत्ति है उनको? आपत्ति उनको ये है कि ये मेरी चीज है और हम कहते हैं 10 साल का पट्टा लिए इसमें हमने। ये हमारा नाम भोलेनाथ है, पत्नी संजू देवी के नाम से हम 10 वर्ष का ठेका पट्टा लिया है मछली पालन के लिए। जो यहाँ के लोग दबंग लोग हैं वो यहाँ मजदूर में रख दिया हूँ तालाब की सुरक्षा के लिए, तो यहाँ दबौड़ी देते हैं, भगाते हैं कि हमारे ग्राम सभा का तालाब है, ये तालाब पर आप ठेका पट्टा मत लीजिए, अपने अपने ग्राम सभा में लीजिए। ये यहाँ ले लिया गया है तो ये दबिश दे रहे हैं कि यहाँ से भग जाओ, और किसी कारण ये तालाब में बच्चा डालने से हमारा बह जाने के कारण बांध बंधवाया है, तो बांध को इन्होंने ग्राम सभा के प्रधान हसुआ पारा के ये ज़बरदस्ती गाँव के कुछ लोगों को ले करके मेरा बांध को गिरा पड़ा दिया। अब ये शासन से मेरा अनुरोध है कि हमारे तालाब की सुरक्षा या हमारी सुरक्षा करने की कृपा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।